वो कमाल का योद्धा था। एक भी युद्ध नहीं हारा 36 साल के पूरे जीवन में, जब तक वो सम्राट रहा, सम्राट रहा। सम्राट मतलब समता के राष्ट्र का अधिपति, शासक, राजा अशोक। ये बात है लगभग ईसा के पैदा होने से 269 से और 232 साल के बीच, लगभग 36 साल उसने राज किया। एक छोटा सा टुकड़ा जो आज के समय कह सकते हैं जैसे भारत है, और फिर उसने इसको महाभारत बनाया। महा मतलब बड़ा, जैसे राजा और महाराजा होता है, राजा छोटा, महाराजा बड़ा राजा, वैसे ही भारत और महाभारत। तो उस छोटे से टुकड़े को जिसको आज भारत हम कहते हैं, वो कभी महाभारत था। पूरा का पूरा आज के समय का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा यानी म्यांमार, लगभग 52 लाख किलोमीटर का सबसे विशाल एरिया, जो पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा राज्य स्टेट कहा जा सकता है, वो उसने खुद बनाया। उसका रचयिता यानी महाभारत का रचयिता खुद अशोक ही रहा है। अपने आप बनाना और अपने आप राज करना, ऐसा नहीं है कि महाभारत उसे कहीं किसी ने गिफ्ट किया हो या उसके पीछे से जो उसके पूर्ववर्ती लोग थे उन्होंने उसको दिया हो। उसने खुद ही सारे युद्ध लड़े और सारे युद्ध उसने जीते भी। पूरे दुनिया के अंदर ये अकेला ऐसा सम्राट है, अकेला ऐसा राजा है जिसने आज तक कोई युद्ध हारा ही नहीं। बाद के दिनों में जब कलिंग से युद्ध हुआ, तो कलिंग के युद्ध में जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग मारे गए, तो उसका मन युद्ध से, अपने लोगों को मारने से हट गया। फिर उसने अपने लोगों को ना मारने का एक प्रण किया, मगर तलवार नहीं रखी। और पूरी की पूरी दुनिया में जहाँ तक भी उसका राज्य था, वहाँ उसकी सेनाएं मुस्तैद खड़ी रहीं, तलवारें लेकर खड़ी रहीं। वो कभी अपने पद से धम्म को अंगीकार करने के बाद हटा नहीं। जो एक राजा का कर्तव्य होता है, वो उसने पूरी तरह से निभाया। प्रजा को अपनी प्रजा माना और समानता के आधार पर उसने सारे राज्य में सुख और शांति स्थापित की। वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, क्योंकि उसने सभी लोगों को समानता का आधार दिया, सभी को एक सा उसने मौका दिया, सभी को उसने बराबर चीज़ें दी, सभी के लिए उसने धर्मशालाएँ, सभी के लिए उसने अस्पताल, सभी के लिए उसने यूनिवर्सिटियाँ, सभी के लिए उसने भोजन, सभी के लिए उसने बीमारी में देखभाल करने के लिए दवाइयाँ, सब कुछ उसने समानता से किया। जो असमानता पर आधारित लोग थे, जो गैर बराबरी को प्रमुख मानते थे और जो भारत में गैर बराबरी फैलाते थे, उन लोगों ने सम्राट अशोक की सारी की सारी जितनी भी जानकारी और जितना भी इतिहास था, उसको दफन कर दिया, उसको दबा दिया। और एक ऐसा शानदार राजा जो दुनिया का सबसे बेहतरीन शासक रहा और जो दुनिया में नंबर वन का शासक रहा, उसकी यादें तक भी मिटा दी। आज तक भी ये नहीं पता चलता कि उसका एक्चुअल इतिहास के साथ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ किताबें जो श्रीलंका गईं, कुछ जो शिलालेख मिलते हैं, कुछ जो मूर्तियां मिलती हैं, कुछ जो और कुछ साहित्य के अंदर बातचीत होती है, चाहे वो दीपदंश है, महावंश है, दिव्यदान है, वहाँ से निकल के जो बात आती है, उससे पता चलता है कि सम्राट अशोक कितने बड़े राजा थे। उन्होंने पूरे दुनिया में कितना नाम उन्होंने भारत का ऊंचा किया और कैसे उन्होंने महाभारत को स्थापित किया। दरअसल महाभारत यही असली महाभारत है और वही महाभारत के राजा रहे हैं। इसके अलावा आज तक किसी ने महाभारत बनाने का ना सोचा, ना ही किसी के अंदर महाभारत बनाने का कोई इतना जिगर भी रहा है, क्योंकि 36 साल तक लगातार युद्ध को लड़ना और उसमें जीतना और जिंदा रहना एक बहुत बड़ी काबिलियत की निशानी है। जो ऐसे सम्राट, जो मौर्य सम्राट या जो भारतीय सम्राट होते थे सम्राट अशोक, ये उन्हीं के बस की बात रही है। उनके जाने के बाद जो उनके पोते थे बृहद्रथ, वहाँ तक तो शासन ठीक रहा। उसके बाद फिर दोबारा से महाभारत का भारत बन गया और फिर
छोटे छोटे टुकड़ों में देश बट गया। पाकिस्तान अलग चला गया, बांग्लादेश अलग चला गया, म्यांमार अलग चला गया, नेपाल अलग चला गया, भूटान अलग चला गया, क्योंकि सम्राट अशोक ने तो धम्म को बहुत आगे तक अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान तक भी भेजा था प्रचार के लिए, चीन के अंदर भी भेजा और चारों तरफ पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया और दुनिया में स्थापित किया समानता, प्यार, करुणा, मैत्री। मगर उसके जो दुश्मन थे, जो समानता, करुणा, मैत्री और भाईचारे के दुश्मन थे, उन लोगों ने सम्राट अशोक की यादें तक भी, उसके पत्थर तक भी तोड़ डाले, उसके जो स्तंभ थे वो भी तोड़ डाले, जो राजचिन्ह थे वो भी तोड़ डाले। ये एक अपने आप में बड़ी घृणा वाली बात है। उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, वो लोग अभी भी भारत में हैं जो सम्राट अशोक से अभी भी नफरत करते हैं, सम्राट अशोक जैसे जो शासक हैं उनसे अभी भी ये मानते हैं कि ऐसा कोई शासक रहा नहीं, उसके इतिहास से भी डरते हैं, और तलवार से तो कितने डरते हैं ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। धन्यवाद।